है, तमाम मेरी बहनें बेटियों को मुझे देख रही हैं कि अपने औरत होने को, अपनी स्ट्रेंथ को ना वीकनेस ना हो, और अपने होने को इस सोसाइटी में एक प्रोडक्टिव इनपुट दें और कॉन्फिडेंट रहें, तालीम की तरफ तवज्जो दें और इस सोसाइटी में अपना रोल अदा करें। तालीम हासिल करके आप मुआशरे की तश्कील में अपना किरदार बेहतर तौर पर अदा करने के साथ साथ और इन जैसी हजारों कामयाब खवातीन की तरह नाम भी पैदा कर सकते हैं। लिहाजा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तालीम के जेवर से आरास्ता करने की इस कोशिश में आप जामिया चट्टान का भरपूर साथ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जब से यहाँ आई तकरीबन मेरे यहाँ 15 महीने हो गए हैं अभी भी, मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं यूनिवर्सिटी ज़रूर आप लोगों से बात करने के लिए, बट समहाउ कुछ मसरूफियात ऐसी थी कि डिले हो गया। लेकिन फॉर्चुनेटली चलें आज वुमेंस डे के ऊपर हमने ये प्लान किया और मैं आप लोगों से यहाँ बात करना चाहती हूँ। देखिए मैं आज जो आपसे बात करूँगी ना, एक तो मैं आपको स्टोरी सुनाऊँगी, ठीक है, उस स्टोरी से आपने खुद मॉरल ऑफ द स्टोरी निकालना है, ठीक है। आखिर में जो मुझे बताएगा कोई बंदा कि उसका मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, उसको मैं अपने ऑफिस भी बुलाऊंगी, उसको एक अप्रिसिएशन लेटर भी दूंगी, ठीक है, कि आपने उसमें से मॉरल निकालना है कि मैं आज यहाँ क्यों आई हूँ, अपनी स्टोरी में आपको सुनाऊंगी उसका क्या मकसद है आप लोगों को समझाने का। स्टोरी कुछ यूँ है कि एक जिस तरह चतराल एक शहर है, किसी तरह के दूर दराज एक शहर था, उसमें एक लड़की थी, उसके वालिद साहब के 4 भाई थे। उन 4 भाइयों में से सबके बेटे थे, सब भाइयों के सिर्फ बेटे ही बेटे थे, एक के भी बेटे, दूसरे के भी बेटे, तीसरे के भी बेटे। तो उनमें से एक भाई की 4 बेटियां पैदा हुई, ठीक है। और सोसाइटी भी ऐसी थी जैसी हमारी अपना ये मुआशरा है, जिसमें बेटियों को समझा जाता है कि ये तो एक लायबिलिटी है। तो जहालत के दौर में जो था, अभी अगर उसको हमको कहें कि ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा ही अभी भी है। दौर जहालत में जिस तरह औरत को समझा जाता है ज़हनी तौर पर, अभी तक हम उस स्टेट ऑफ माइंड से नहीं हुए हैं। हम दिल में खफा होते हैं कि किसी घर बेटी पैदा हो जाए, और अगर चौथी या पाँचवीं बेटी पैदा हो जाए तो फिर तो बस एक वो लोग शौक का सा माहौल होता है, लोग ताज़ियत करने आते हैं कि आपको तो बेटी पैदा हो गई। तो जिस फैमिली में सारे बेटे ही बेटे पैदा हुए हों, वहाँ अगर एक फैमिली में एक ही माँ की 4 बेटियाँ पैदा होती हों, तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना प्रेशर होगा बच्चे के ऊपर, और बच्चे उस माँ से ज़्यादा उस बाप के ऊपर कि मैंने बच्चों की कैसी परवरिश करनी है कि ये बच्चियाँ मेरा सहारा बने और लोग उंगली ना उठा सकें कि देखा हम किस वजह से कहते थे कि
कि कल तला को तुम्हारी ये मतलब ये मसला हुआ तो देखा तुम्हारी बेटी थी, अगर बेटा होता ना तुम्हारे साथ खड़ा होता, बुरे वक्त में तुम्हारा साथ देता, और या कोई ऐसा खुदा ना खासा कोई बात हो जाती है जिसमें बच्ची कोई ऐसी हरकत कर लेती है जो खानदान के लिए बाइस से शर्मिंदगी होती है, तो फिर वो एक और स्टेप लग जाती है देखा। तो फिर ऐसी सिचुएशन में अगर एक बाप अपनी सारी बच्चियों को ठीक है, और उस जिस मैं खानदान की बात कर रही हूँ उसमें ये था कि वो अपनी बच्चियों की शादियाँ 13-14 साल में करा देते थे, कि एक लाइबिलिटी है ना कि बस खत्म करें किसी के सहारा, बस शादी करती बड़ी अच्छी तरीके से शादी की, तो हमने वालदैन होने का फर्ज अदा कर दिया, उसके लिए अच्छा लड़का हमने ढूंढा, अच्छी फैमिली होगी, पढ़ी लिखी हो, पैसा कमाता है, ख्याल रखता है या नहीं रखता, प्यार मोहब्बत इज्जत है या नहीं है, लेकिन एक जिम्मेदारी हमने पूरी कर दी। उस फैमिली में उस वालिद ने अगर उन बच्चियों को पाकिस्तान के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया हो ठीक है, उतने ही उन बच्चियों की तालीम पे पैसे लगाए हों जितने दूसरे अपने बेटों की तालीम के ऊपर भी नहीं लगाते ठीक है। तो क्या ऐसी बच्चियों को आप क्या समझते हैं कि उनको ये सूट करता है कि वो कोई ऐसी हरकत करें जिससे उनके खानदान को उनकी उनकी तालीम जिधर वो पढ़ जो उनका स्कूल है यूनिवर्सिटी है उसमें कोई ऐसी बायस शर्मिंदगी हो खानदान के लिए, उस वाले का उस वालदा के लिए। तो जब इस तरह हुआ, जिस तरह मैंने स्टोरी सुनाई, फिर उसकी वो जो बच्ची थी उस वालिद की मदद से वो बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ी ठीक है। अब जैसे जैसे कोई चीज़ होती है ना, आप हर चीज़ में आपको चेंज को रिजिस्ट किया जाता है, पहले तालीम पे रिजिस्ट किया कि इसको अच्छे स्कूल में ना पढ़ाओ, किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा दो, क्या जरूरत है बच्चे को पैसा लगाने की, आप पैसे जमा करो उसकी अच्छी शादी कराना, लोग कहेंगे वाह वाह कितनी ज़बरदस्त शादी की, क्योंकि हम कामयाबी या बच्ची की जो प्यार मोहब्बत है ना वो सिर्फ उसकी शादी से करते हैं, उसकी शादी कितने पैसे लगे, उसकी शादी हमने किस तरह की किस तरह। तो फिर वो जो बच्ची थी उधर यूनिवर्सिटी में चली गई, यूनिवर्सिटी में पढ़ा, संभव करते करते उसने CSS कर लिया ठीक है। जब CSS कर लिया ठीक है, तो वो एक ऐसे महकमे में आई जिसमें पूरे सूबे में उस कम्युनिटी में, तो क्या पूरे सूबे में पहले उस महकमे में कोई नहीं था ठीक है। जैसे आप समझें जैसे आर्मी में चला गया, जैसे कोई पुलिस में चला गया, कुछ ऐसा मतलब रोल मॉडल के तौर पर चली, तो उसको बड़ी परेशानी का सामना हुआ ठीक है, कि लोग जजमेंटल होते हैं बहुत ज़्यादा, मर्दों के बारे में हो ना हो, लेकिन जब आपकी न्याय का मर्दों के बारे में भी होते हैं, लेकिन इसमें मैं एग्जाम्पल ही देती हूँ कि अगर कोई मर्द गायनेकोलॉजिस्ट बनेगा तो कहीं यार इसको क्या जरूरत है गायनेकोलॉजिस्ट बनने के लिए, सर्जन बन जाता ठीक है। मर्दों के लिए भी कुछ ऐसे प्रोफेशन होते हैं जो ये कंसिडर किया जाता है कि वो लोग उस प्रोफेशन में ना जाएं, किसी तरह औरतों के लिए भी बहुत महदूद प्रोफेशन है, मर्दों के लिए बहुत कम ऐसे प्रोफेशन है जिनमें उनको कहा जाता है कि वो ना जाएं, खवातीन के लिए बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे प्रोफेशन है जिनको कहा जाता है कि सॉरी थोड़ा मतलब मर्द के लिए बहुत कम ऐसे प्रोफेशन है जिनमें कहा जाता है कि उनके लिए मौजूद नहीं है, लेकिन खवातीन के लिए बहुत ऐसे हैं जो कहेंगे नहीं नहीं ये है वो है इस तरह, बहुत ज़्यादा खवातीन के लिए रिस्ट्रिक्शन है। तो उनमें पुलिस डिपार्टमेंट, आर्मी, नर्सिंग और बेतहाशा हो गए थे, बस एक डॉक्टर और टीचर, ये दो ऐसे प्रोफेशन हो सकते हैं खवातीन के। तो कहने का मेरे आज यहाँ आने का मकसद ये था कि आप लोगों को मैं ये बताऊँ कि अगर आप लोग यहाँ सारी बैठी हैं ठीक है, इसके पीछे हर घर में एक स्टोरी होगी, आपकी माँ ने, आपके वालिद ने, आपकी जो फैमिली है उसके साथ इतनी लड़ाई की होगी, और ये आपके माँ बाप को पता है कि आप कैसे इधर बैठी वो एजुकेशन में पढ़ती हैं। और मुझसे छोटी सारी बहनें पढ़ती हैं, सब पढ़ती हैं, और हिंदी का सपोर्ट है बाबा का एक्चुअली, लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ों में मैं हर की जाती हूँ बाकी से लोगों की, कभी कभी यूनिवर्सिटी आते वक्त ट्रांसपोर्ट का मसला होता है, इसमें आपको टैक्सी में आना पड़ता है या कुछ और चीज़ें होती हैं, बहुत कॉम्प्लिकेशन होती हैं, तो इसमें आपने अकेले करना होता है। फिर बात यह आती है कि अच्छा वीज़ा जो है वो आज अकेली आ गई यूनिवर्सिटी से, वो यूनिवर्सिटी बस में नहीं थी, किसी और के साथ आ गई, तो ये बातें मुझे बहुत हर्ट करती हैं, और कभी कभी मैं रो भी पड़ती हूँ, कभी कभी एब्सेंट भी हो जाती हूँ, स्टडीज़ भी अफेक्ट होती हैं। तो मेरा आपसे सवाल ये कि क्या आपके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, तो ये कुछ और इस चीज़ों चीज़ों को आपने किस तरह आप इनके पूरा थैंक यू। मैं बताऊँ मेरी फैमिली में सब लोग जो हैं वो कोई भी जॉब करता, मैं अपनी फैमिली में पहली हूँ जिसने CSS किया ठीक है। पहले तो सरकारी नौकरी करना
सबसे अहम बात, मैं यूनिफॉर्म पहनती हूँ, ठीक है, ये ट्राउजर पहनती हूँ ना, ये कितना बड़ा चैलेंज है मेरे लिए, ये आप लोगों को नहीं पता, ठीक है। मैं भी ऐसी ही फैमिली से हूँ जैसे आप लोग हैं, तो मैं आपको बताऊँ, मेरी अपनी जिंदगी में कभी अपने वालिद साहब के सामने बर्दी भी नहीं की, ठीक है, किसी अपने मेल में मतलब पूछे, हाँ अगर मेरे ऑफिस एक दो दफा मेरे वालिद साहब आए तो मैं खड़ी नहीं हुई, तो ये पता चल ना पता चले कि मैं ट्राउजर है, ठीक है, एक हफ्ता का लिहाज होता है, ठीक है, क्योंकि हमारी फैमिली में मैं बड़ी भी चादरें करते हैं, नकाब करते हैं, जब फंक्शन होते हैं तो हम भी तैयार होते हैं, खुश होते हैं, हाँ हंसते गाते बोलते हैं, लेकिन एक वो है ना, ठीक है, मैं इस तरह की मतलब यूनिफॉर्म, लेकिन क्योंकि ये यूनिफॉर्म है, ठीक है, और मेरे यूनिफॉर्म से ज़्यादा ये जो ऊपर स्टार्स लगे हुए हैं ना, इससे नीचे किसी की नज़र नहीं जाती। और कोई बात अगर करना चाहिए, इसके बाद हम एक अलग से सेशन भी इसके बाद होगा, ये अगर मर्द हज़रात जो हैं वाइफ के टाइम में हम गर्ल्स का خواتین کے عالم دین پر دنیا میں سب سے عظیم ترین خواتین حضرت امہ عائشہ الصدیقہ اور خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی لازمی ہے، جن کی وجہ سے عورت کو اسلام نے اتنی عزت و عظمت بخشی، اور اگر آج کل کی خواتین اور ان دواس کی اپنا لے تو ہمارا معاشرہ ایک بہترین معاشرے میں تبدیل ہونا نظر آئے گا۔ اکارڈنگ ٹو مائی اوپینین، یہ جو ویمنس ڈے ہے، مجھے نہیں لگتا، لیکن یہ میرا پوائنٹ آف ویو کہ ایک دن ہی ویمنس ڈے منایا جائے، اگر ویمنس ڈے منانا ہے تو وہ روز منایا جائے، مطلب اس طرح سے منایا جائے کہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے گھروں میں بیٹیاں ہیں، ہمارے گاؤں میں گھروں میں مائیں ہیں، ہمارے گھروں میں بہنیں ہیں اور بیویاں ہیں، اگر اپنی بیویوں کو انڈرسٹینڈ کیا جائے اپنے گھروں میں، اپنی ماؤں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے، ان کی بات مانا جائے، اپنی بیٹیوں پر شفقت اور رحم کیا جائے، تو میرے خیال میں یہ روز ویمنس ڈے ہوگا۔ کیوں چترال سونیا شمروز بھی یہاں پہ چیف گیسٹ کے طور پہ آئی تھی، آپ ہمارے ساتھ بی سی چترال یونیورسٹی ہیں پروفیسر ڈاکٹر زاہد شاہ صاحب، ہم ان سے پوچھیں گے کہ آج کے حوالے سے ان کے کیا ویوز ہیں، وہ کیا میسج دینا چاہتے ہیں فیمیلس کو، جس طرح ابھی بھی وہ صاحب بنی ہوئی، یہی ہمارے بچوں کو بتایا کہ یہ خواتین کا کمپٹیشن مرد کے ساتھ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کا اپنا ایک رول ہے، وہ اپنا رول ادا کریں، مرد کا اپنا رول ہے، خاتون کا اپنا رول ہے، وہ اپنے رول میں آگے جائیں اور یہ لوگوں کے باتوں میں نہ آئے کہ ہم مرد کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے، مرد کے ساتھ ان کا مقابلہ نہیں، اللہ نے ان کی جو ڈیوٹی کیے ہیں وہ صحیح طریقے سے نبھائے، تو اس میں ہماری اور ہماری سوسائٹی کی اور ملک کے بہتری ہے۔